सादर प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एड्स। हमें पढ़ना है एड्स के बारे में और एड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन के संदर्भ में बात कर रहे हो, एड्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहला जो मामला इसका सामने आया था वो आया था 1981 में, ठीक है। तो काफी समय हो गया है, लगभग 40 साल के आसपास का समय हो गया है जो एड्स के फर्स्ट जो भी केस था उसके बाद से। जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें कुछ चीजें और महत्वपूर्ण है, यानी कि जो एड्स है वो एड्स है चिंपैंजी वायरस का एक ट्रांसफॉर्म्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो चिंपैंजी वायरस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है या एक परिवर्तित रूप है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो फुल फॉर्म है, जो रिलेटेड क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को फोकस करेंगे। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फुल फॉर्म है इसकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। हिंदी में लिखें एक्वायर्ड मीन्स हो गया उपार्जित, प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म। तो एड्स की फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, एड्स की फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाना है। और इतना समय हो जाने के बाद भी, जैसे आजकल का जो टाइम है, अगर ये कोरोना के संदर्भ से अगर पहले की बात करें तो एक समय ऐसा था तो जब हमें एड्स का नाम सुन के ही ऐसा लगता था कि एक प्राणघातक बीमारी है जो कभी क्योर नहीं होगी। और जब से कोरोना का संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, उस समय से समझ में आ गया है कि इसके आगे तो एड्स फिर भी एक ऐसा है जो कंटीजियस नहीं है, यानी कि पर्सन टू पर्सन सिर्फ छूने या साथ बैठने से नहीं फैलता है। और जबकि कोरोना के संदर्भ में चीजें बिल्कुल अलग है, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, उसकी छुई हुई चीज को भी अगर आप छू लेते हैं तो भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस बनते हैं। बात करते हैं कि यहां पर जैसे हमने कहा फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसको अभी हम पढ़ ही रहे थे, हमारा इम्यून सिस्टम में किसी तरीके की एक कमी आ जाती है, यानी एक डेफिशिएंसी आ जाती है। और इस डेफिशिएंसी की वजह से ये एक संकेत यहां पर मिलता है, ये एक हिंट यहां पर मिलता है कि ये जो डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी पर्सन ने एक्वायर्ड की है, यानी कि उसने अर्जित की है, ये उसमें इनबॉर्न या इनेट नहीं थी, ठीक है, यानी कि ये उसमें जन्मजात नहीं थी। तो जो एड्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम की कमी होना या इम्यून सिस्टम का कम एक्टिवेट होना, ये एक व्यक्ति अपने जीवन में एक्वायर्ड करता है। और जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी किसी भी तरीके का इनेट या इनबॉर्न डिजीज नहीं है, ठीक है। अब लगभग 25 इयर्स का टाइम था, अब तो खैर 25 प्लस इयर्स की हम बात करें, कि लगभग पूरे देश में फैल गया, पूरे विश्व में ये फैल गया और लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ पर्सन की बात कर रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ लोग इससे डेथ हो चुकी है, उन लोगों की जो आंकड़े बताते हैं, ठीक है। एड्स कैसा रोग है क्वेश्चन आता है, हम वायरस से होने वाली डिजीज को, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को इनको पढ़ चुके हैं। तो एड्स क्या है? एक वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। और ये वायरस क्या है जिसकी वजह से ये रोग होता है? उस वायरस का नाम है HIV। अब बहुत कॉमन हो गया है, जब ब्लड सैंपलिंग होती है, ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें HIV आपने देखा होगा टेस्ट जरूर होता है। हालांकि अब तो और चीजें इंक्लूडेड हो गई हैं जैसा कि ये समय चल रहा है, बात आगे की करते हैं। ये क्या है HIV? HIV को हिंदी इंग्लिश में जो फुल फॉर्म इसकी है ह्यूमन, नाम ये फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे इसकी भी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, वी है तो वायरस। ये वायरस है जिसकी वजह से
एड्स होता है। देखिए एचआईवी में और एड्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये एक वायरस है। एचआईवी क्या है? वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है। और जबकि एड्स कोई रोग या कोई सिंड्रोम नहीं है, यानी कि मतलब सिंड्रोम नहीं है, ना कहेंगे सिंड्रोम है क्योंकि एड्स फुल फॉर्म हम पढ़ ही रहे हैं, तो एक रोग नहीं है, ये एक तरीके का सिंड्रोम है। और जबकि एचआईवी क्या है? एक वायरस है। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है, ठीक है। अब एचआईवी की फिर से बात करते हैं, यहां पर आते हैं। जो एचआईवी है वो क्या है? रिट्रोवायरस है। एचआईवी है रिट्रोवायरस। और किस जीनस से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है लेंटीवायरस जीनस से, ठीक है। ये क्या है? एक रिट्रोवायरस है। और किस जीनस से बिलोंग करता है? लेंटीवायरस जीनस से ये बिलोंग करता है। यहां पर जो रिट्रोवायरस को हिंदी में पश्च विषाणु करके भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि जो रिट्रोवायरस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आरएनए है, ठीक है, आरएनए जीनोम को ढकने वाला इसमें एक कवरिंग होती है, यानी कि एक आवरण होता है। जनरली क्या होता है, जो एचआईवी का इन्फेक्शन होता है कैसे होता है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं। एचआईवी का इन्फेक्शन कैसे होता है? ये है कि कई बार क्या होता है, मल्टी कपलिंग होती है, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ कंटिन्यूटी में कपलिंग की जाती है, जिस वजह से, यानी कि फिजिकल रिलेशंस बनाए जाते हैं, जिस वजह से ये रोग हो सकता है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की यहां पर बात करें तो, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर है कि अगर इन्फेक्शियस ब्लड यहां पर डोनेट कर दिया जाए या ब्लड चढ़ा दिया जाए या इन्फेक्शियस ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का यहां पर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उस इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि उस संदूषण की वजह से, उस दूषित ब्लड की वजह से क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को ये रोग हो सकता है। फिर आपने बड़े बड़े शहरों में, अब आजकल भारत में भी बहुत बड़ी समस्या है जो ड्रग्स से रिलेटेड समस्या है, तो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो ड्रग एडिक्ट एक्चुअल में कई बार क्या करते हैं, एक ही सुई से ड्रग को लेते हैं, यानी कि वेन में वो इंजेक्शन लगाते हैं और एक ही सुई से कई लोग लगा लेते हैं वो इंजेक्शन, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन आगे पहुंच सकता है, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए कोई लेडी है जो एड्स जिसको है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसमें प्लेसेंटा के माध्यम से ये रोग उसके चाइल्ड में भी जा सकता है, क्योंकि चाइल्ड क्या करता है, मदर से जन्म से पहले प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है और वहीं से वो पोषण भी प्राप्त करता है, तो जिस वजह से ये क्या हो सकता है, बच्चे में वो रोग हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों में इस तरीके का इन्फेक्शन होता है, उनमें इन्फेक्शन होने के जिनमें ज्यादा खतरे होते हैं, जैसे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं या जिन्हें बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनका किया जाता है, या कोई ऐसी लेडी है जो एड्स से, यानी कि एचआईवी पॉजिटिव है, और यहां पर उसको क्या होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे में ये रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन इनसे संबंधित बहुत ज्यादा र्यूमर भी फैला हुआ है कि ये तो था कि कैसे होता है, यहां बात करेंगे कि एड्स कैसे नहीं होता है। बहुत ज्यादा र्यूमर है, हालांकि जब एड्स की यहां पर बात करें, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि इन्फेक्शन होने और एड्स के जो भी सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स सामने आने के बीच में ऐसा नहीं है कि वो एकदम आ जाए, कई बार वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, कई बार तो कुछ दिनों में भी दिखाई दे सकते हैं वो सिम्टम्स, कुछ वीक्स में भी दिखाई दे सकते हैं वो सिम्टम्स, कुछ महीनों में भी आ सकते हैं। और बहुत ज्यादा जो सरप्राइजिंग है वो ये है कि कई बार 5 से 10 साल भी ऐसा लग जाते हैं जब वो सिम्टम दिखाई देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी बॉडी में इस तरीके से, यानी कि ये जो भी वायरस है वो एंटर करता है, तो उस वायरस के एंटर करने के बाद यहाँ पर जो मैक्रोफेगोसाइट्स होते हैं या मैक्रोफेगो होते हैं, वो एंटर करने के बाद यहाँ पर आरएनए जीनोम की हमने बात की है, तो ये आरएनए जीनोम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, इसकी हेल्प से यहाँ पर शुरू कर देते हैं वो रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी कि कॉपीइंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब इस कॉपीइंग के बाद क्या होता है, एक वायरस डीएनए यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। क्या बनता है, जब कॉपीइंग हो जाएगी, किसमें कॉपीइंग होगी, कॉपीइंग होगी जो भी यहाँ पर मैक्रोफेग एंटर किया है, यानी कि हिंदी बोलूं तो वृत भक्षणों जिन्हें बोला जाता है। तो जब उस वायरस ने बॉडी में एंटर किया है, एंटर करने के बाद जो आरएनए जीनोम है, आरएनए जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। वहां पर क्या हो गया, प्रतिकृति बननी शुरू हो गई, यानी कि संख्या में वृद्धि शुरू हो गई है। तो इस रेप्लिकेशन की वजह से वायरस डीएनए यहाँ पर फॉर्म्ड होता है, वायरस डीएनए बनता है। अब यही जो वायरस डीएनए है, ये जो परपोषी की सेल होती है, यानी कि सेल डीएनए में, यानी कि जो सेल है, सेल के डीएनए में किसके, पैरासाइट के, ठीक है। तो यहाँ पर उसके डीएनए में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, बनेगा तभी तो उसके बाद क्या करेगा, वो एंट्री भी तो उसकी होगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एंटर कर जाएगा। और जब एंट्री हो गई तो उस एंट्री के बाद वो यहाँ पर इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देगा। और यहाँ पर एक चीज को इंस्ट्रक्ट करना, कंफर्म करेगा कि ये जो इन्फेक्शन है कैसे फैले, इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, कि ये सेल्स को, जो भी इन्फेक्शियस सेल्स होती हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि वो यहाँ पर वायरस पार्टिकल्स को जेनरेट करें, यानी कि वायरस के कण बनाने की शुरुआत कर दें, ठीक है। अब जो मैक्रोफेगस होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं, वो क्या काम करेंगे, वायरस बनाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर एक तरीके से एचआईवी फैक्ट्री के रूप में काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और लगातार एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं जिससे कि कॉपीइंग स्टार्ट हो जाए और वायरस के नंबर यहाँ पर बढ़ जाए। अब इसके साथ ही क्या होता है, जो ये एचआईवी है, ये एचआईवी हेल्पिंग टीएच जिनको बोला जाता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने पढ़ा है उनके बारे में, काम पढ़े हैं हम, जानते हैं एक तरीके के सेट होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए वो हम पढ़ चुके इसलिए उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स में ये क्या करेगा, एंटर करेगा, और उनमें एंट्री के बाद ये यहाँ पर कॉपिंग स्टार्ट कर देगा, अपने जैसे और वायरस बनाना शुरू कर देगा, और यहाँ पर बहुत बड़े ऑफस्प्रिंग वायरस, जिसको कहूँ बहुत सिंपल से शब्दों में, या डॉटर वायरस कहूँ, या चाइल्ड वायरस कहूँ, या वायरस की अगली संतति कहूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे वायरस यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब जितने वायरस ये ब्लड में, क्योंकि इस बॉडी के अंदर हो रहा है, इट मीन्स ब्लड को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं ना, तो जितने वायरस यहाँ ब्लड में छोड़े गए हैं, जितने भी ये नए फॉर्म्ड वायरस हैं, ये नए फॉर्म्ड वायरस क्या काम करेंगे, जो दूसरी टी लिम्फोसाइट्स हैं, उन टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करेंगे, और यही रिपीटेशन होता चला जाएगा। यानी कि ये वायरस किस पे अटैक करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये वायरस अटैक करते हैं टी लिम्फोसाइट्स पे, और ये रिपीटेशन हो रहा है, कंटिन्यूटी में टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो बॉडी है किसी भी पर्सन की, जिसमें इस तरीके का इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, उसमें हेल्पिंग टी लिम्फोसाइट्स की नंबर्स में क्या होगा, जब उनको अटैक किया जा रहा है, जो मैक्रोफेग है उनको डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी, संख्या में कमी आ जाएगी, है ना, इनकी संख्या में कमी आ जाएगी। अब इनकी संख्या में कमी आने की वजह से बॉडी क्या करती है, कुछ यहाँ पर सिम्टम्स शो करती है, जिनमें है फीवर आना और कंटिन्यूटी में वेट लॉस होना, या जैसे और क्या हो सकता है, वो क्या कहते हैं, सॉरी, डिसेंट्री हो जाना, यानी कि पेचिश हो जाना, और कंटिन्यूटी में वेट लॉस एक बहुत मेजर यहाँ पर सिम्टम है एड्स से रिलेटेड। अब हेल्पिंग टी लिम्फोसाइट्स की लगातार यहाँ पर संख्या में गिरावट आ रही है, यानी कि WBC में यहाँ पर गिरावट जब आती है, तो इसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और वो जैसे सिंपल से, और जैसे मैक्रोबैक्टीरियम है, या अदर वायरस है, या फंजाई है,
इनके अगेंस्ट भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं रह पाता। और ये जो अदर चीजें अभी तक जिसको हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से बॉडी को प्रोटेक्शन मिल रहा था, वो यहाँ पर क्या करते हैं, सारे के सारे एक साथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी नहीं कहा जाएगा एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन वो जो उनका काम होता है वो बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब एक और तो ये वायरस की वजह से जो इंटरनल लॉस हो रहा है वो हो रहा है, साथ ही साथ जिनके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम लगातार काम कर रहा था, जिन बैक्टीरिया को रोकने का काम कर रहा था, जो हमारी WBC काम कर रही थी, सब क्या हो गई, वीक हो गई। तो यहां पर ये जो बैक्टीरिया वगैरह थे, जो भी अदर वायरस थे, उन्होंने क्या किया, बॉडी पे अटैक करना शुरू किया। और इस तरीके के जो पैरासाइट्स होते हैं या जो अपने होस्ट पर रह के इस तरीके से काम करते हैं, तो जो पैरासाइट से इस तरीके से और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, यानी कि इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और बॉडी उसके अगेंस्ट काम करने के लिए यहां पर सक्षम नहीं हो पाती है। अब हालांकि जो एड्स है, एड्स का हम जानते हैं अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हालांकि सिप्ला वगैरह कुछ मेडिसिन कंपनीज जो हैं, यानी कि फार्मा कंपनियां जो हैं, वो इस दिशा में काम कर रही हैं कि वो दवाइयां बना रही हैं, लेकिन उन दवाइयों का रोल सिर्फ अभी इतना ही है कि वो एड्स से होने वाली डेथ को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उस टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दवाइयां केवल जो लाइफ है उसमें कुछ और दिनों को ऐड करने में हेल्प करती हैं, बीमारी को क्योर करने के लिए अभी तक कोई भी दवाई नहीं बनी है। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि जब एड्स का टेस्ट किया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एलिसा। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी है इम्यून सॉर्बेंट एसी। ठीक है, तो एलिसा वो टेस्ट है जो कि एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है, उसकी जांच के लिए किया जाता है। और यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि जो भी एंट्रोरिट्रोवायरस से रिलेटेड, यानी कि रिट्रोवायरल मेडिसिन की बात करते हैं, चलिए ये मेडिसिन क्या करती हैं, जैसे हमने कहा सिप्ला वगैरह कुछ फार्मा कंपनीज का हमने नाम लिया, ये क्या करती हैं, एंटी रिट्रोवायरल। जैसे हमने कहा HIV क्या है, रिट्रोवायरस है, जो लेंटीवायरस जीनस से कनेक्टेड है, यानी कि उस वंश का है। ठीक है, सिप्ला वगैरह क्या कर रही है, एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन बना रही है, जिसकी वजह से एक पार्शियल ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे हमने कहा कि वो क्या कर सकते हैं, जो आपके जीवन के किसी भी व्यक्ति के जो एड्स से अफेक्टेड है, यानी कि जो उसे इस तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, उसकी लाइफ में कुछ दिन जोड़ सकता है, लेकिन उसकी डेथ को नहीं रोक सकता। यानी कि डेथ तो होनी ही होनी है, सिर्फ कुछ जीवन जीने के लिए अन्य और दिन उसको मिल जाएंगे। अब देखिए, रोकथाम कैसे की जा सकती है, किसी भी चीज की रोकथाम के लिए कुछ बिंदु कॉमन होते हैं, जैसे अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना, दूसरा जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उन गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में या उन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी नियम कायदे कानून जो भी आए हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को सही जानकारी होना जरूरी है, लोगों के भीतर ये दिमाग में बैठाना कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ बैठेंगे, उसका छुआ खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल यदि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया जाए या कोई इन्फेक्टेड लेडी है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो उससे हो सकता है, या इन्फेक्टेड क्या बोलते हैं निडल से हो सकता है, या जो भी ऐसे इस तरीके के जो फ्लूड ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड चीजें हैं उनसे ही ये एड्स एक से दूसरे में होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अलग अलग तरीके की चीजें हैं, अवेयर किया जा रहा है, और जब से कोरोना की बात फिर से करते हैं, जब से कोरोना की बात होने लगी है तब से एड्स तो इस संदर्भ में बहुत पीछे छूट गया है। ठीक, अब बात करें फिर से हमारे देश की, हमारे देश में किस तरीके से एड्स को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है, नाको NACO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल, N है ये, नेशनल एड्स कंट्रोल
लिख दे रही हूं मैं यहां पर, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये काम कर रहा है। और साथ ही साथ कुछ एनजीओज हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और यहां पर ब्लड बैंक है, उन ब्लड बैंक में कोशिश ये की जा रही है कि जो भी ब्लड आता है वो एचआईवी फ्री हो, यानी कि एचआईवी पॉजिटिव ब्लड ना हो। और यहां पर कुछ ऐसी चीजें जैसे अब आप कभी सुई लगाने की जरूरत भी पड़ती है, यानी कि वैक्सीनेशन की बात करें या किसी भी तरीके का इंजेक्शन आपको लगता है तो डॉक्टर यहां पर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप नई सुई लेकर आए यानी कि नया इंजेक्शन लेकर आए ताकि उसे डिस्पोज किया जा सके। और दूसरी चीज यहां पर जो ड्रग है उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूथ ड्रग की चपेट में है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में जो ड्रग से रिलेटेड है। और आगे टॉपिक आएंगे तो उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर क्या होगा कि अगर एचआईवी को कंट्रोल करना है तो उस एचआईवी के कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, यानी कि एड्स को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि एचआईवी की नियमित रूप से रेगुलर यानी कि टेस्टिंग हो और इससे रिलेटेड टाइम टू टाइम कार्यक्रम चलाए जाए, स्कूल्स में इनसे संबंधित जानकारियां दी जाएं और सही जानकारियां दी जाएं। साथ ही साथ जैसे अभी हम कोरोना के टाइम पर देख रहे हैं कि कुछ लोग को यदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं या कोई ट्रैवल हिस्ट्री किसी की हो रही है तो लोग छुपा रहे हैं, यहां पर ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरीके की जानकारी को छुपाया ना जाए, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप अगर कोई व्यक्ति नियर बाय ऐसा है जो एड्स जिसको है तो उसके साथ सिंपैथी रखने की जरूरत है, उसके साथ एक ऐसा नॉर्मल बिहेवियर करने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मेंटल प्रेशर में है, उसको मेंटल रिलीफ देने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये रोग उसके संज्ञान में हो और तब उसे हुआ हो, एक्सीडेंटली भी हो सकता है। तो इस चीज को समझना है, सभी को समझना है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो फिलहाल आज वाले सेशन में इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। कुछ बिंदु हैं रिपीट कर दे रही हूं जिनको आपको ध्यान में रखना है, एनएसीओ की फुल फॉर्म, एलिसा की फुल फॉर्म, एलिसा क्या है ये जानना जरूरी है। अब हम बहुत जानते हैं कि किस तरीके से रोकथाम जरूरी है, किस तरीके से अवेयरनेस जरूरी है, ये बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। दूसरी चीज जो एचआईवी है वो किस तरीके का वायरस है, और जो मेडिसिन बनाई जा रही है वो किस तरीके की मेडिसिन बनाई जा रही है, यानी कि एंट्री रिट्रोवाइसल वायरल मेडिसिन है। तो एचआईवी और एड्स इन दोनों में डिफरेंस जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बिंदु हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, अगले सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए लगातार आप साथ बने रहें, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।